नमस्कार, स्वाद बनारसी के इस स्पेशल अंक में एक बार फिर आपके सामने चाय। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ करिए और जानिए उन स्वाद को जो बनारस को एक अलग पहचान देती है। चाय की दुकानों के क्रम में आज हम पहुंच आए हैं गोदौलिया और गिरजाघर के बीच में हरसुंदरी धर्मशाला। हरसुंदरी धर्मशाला के ठीक बगल में गेट से सटा हुआ एक चाय की दुकान है जिसमें तीसरी पीढ़ी इस दुकान को चला रही है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, पिछले अंक में भी आपने को बताया था कि हम चाय की वैरायटी को लेकर आपके लिए आ रहे हैं, वो चाय जिसे बनारस दिलो जान से चाहता है, वो चाय जिसे बनारस के हर गली हर नुक्कड़ पे देखा जा सकता है। अलग बात है कि आधुनिकता के इस दौर में सब कुछ परिवर्तित हुआ, सब में बदलाव दिखा, लेकिन चाय एक ऐसी चीज़ है, ऐसा पेय है जो अभी तक अपने को नहीं बदला। वही कुल्हड़, वही शीशा के ग्लास, वही कागज़ के ग्लास, वही कदरदान और वही सड़कों की ठाट, इन चीज़ों से बनता है बनारसी चाय और बनारसी चाय का जायका। हम बनवारी के चाय की दुकान की बात कर रहे हैं। बनवारी के चाय की दुकान तीन पीढ़ियों से है। बनवारी के बाऊजी ने इस चाय की दुकान की शुरुआत की थी और इनके चाय की दुकान के कदरदानों की बात करें तो एक सुबह से एक शाम तक भीड़ लगी रहती है और इनके इस चाहत की वजह भी काफ़ी खास है। अमूमन आप चाय पीते हैं तो इलायची की खुशबू आती है, किसी चीज़ और की खुशबू आती है, लेकिन इनके चाय में खुशबू आती है चाय पत्ती की नहीं, तुलसी के पत्ते की यदि गर्मी है तो, और यदि जाड़ा है तो अदरक की। आप समझ सकते हैं अदरक की कड़क चाय या फिर भीनी खुशबू के साथ तुलसी पत्ती की चाय। ये अपनी चाय को बनाने में तुलसी पत्ती का प्रयोग करते हैं। चाय अमूमन जैसे बनता है उसी तरह ये बनाते हैं, कोई अलग तरीके का कोई प्रिपरेशन नहीं होता है, लेकिन तुलसी के पत्ती को कुछ इस तरह खौलाते हैं कि इसकी अर्क, उसका स्वाद, उसकी भीनी खुशबू चाय के साथ भी मिलती है और यही वजह है कि दूर दूर से इनके चाय के कदरदान आते हैं। वही तुलसी आदि चाय और क्या, तुलसी पत्ती का चाय। हाँ, तुलसी पत्ती की चाय। कैसे कैसे बेचेला करेक्ट? वही 5-6 रुपया एक के चाय। अच्छा, एक चाय एकदम। एक लोग पीते हैं, वाह वाह करते हैं और फिर आते हैं। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इनकी चाय अपने आप में दुर्लभ है, अपने आप में खास है और वजह सिर्फ और सिर्फ इनके पकाने का, बनाने का एक अलग तरीका है। चाय कड़क तो होती ही होती है लेकिन जो खुशबू आती है वो आपको जाड़ियों के दिनों में अदरक की मिलेगी, तो वहीं गर्मियों के दिनों में या ये कहा जाए कि इन दिनों तुलसी के पत्ते की। आप जानते हैं कि तुलसी बहुत सारे फ़ायदों के लिए जाने जाते हैं, तमाम व्याधियों का इलाज तुलसी का पत्ता है। तुलसी वो पवित्र चीज़ है जो भगवान के लिए के भी समर्पित होता है और उन्हें श्रद्धावश चढ़ाया जाता है, लेकिन तुलसी का उतना ही आयुर्वेदिक महत्व है और इन्हीं आयुर्वेदिक महत्वों को समेटे हुए, संयोजे हुए ये चाय में पिलाते हैं और यही वजह है कि दूर दूर से, चाहे वो बम्बई हो या फिर झारखंड हो, इनके यहाँ न केवल ग्राहक आते हैं बल्कि जब कभी वो बनारस आते हैं तो इनके दुकान पे आके चाय पीना कभी नहीं भूलते हैं। तो आइए सुनते हैं एक बम्बई के ऐसे इनके आशिक की जो इनको चाय की आस की न केवल भा गया बल्कि बनारस जब भी आते हैं इनके दुकान पे आते हैं, इनकी चाय पीते हैं और वाह वाह करते हैं। बने रहिए स्वाद बनारस। मुंबई में नहीं पीता हूँ मैं अभी पिछले बार आया था तभी इनका चाय मैंने पिया था, तो उसलिए मैंने वापस किया था। क्या खासियत लगी इनकी चाय? तुलसी का, तुलसी की जो बास आते हैं चाय में खुशबू, हाँ जो खुशबू आती है जो अलग ही मन को छू जाते हैं। ये खासियत है कि मैं सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ। ये खासियत इसके अंदर जाड़ा गर्मी बरसात जो भी हो, जैसे अभी जाड़ा आ जाता है तो आदि के साथ इनके चाय की दुकान में मिलता है। ये पेट के लिए फायदेमंद रहता है ये सब के लिए, ये और गर्मी आ जाता है तुलसी की चाय।